राम राम भाइयों, के हाल चाल साथियों। सर्दियों का मौसम खत्म हो चुका है और गर्मियों का सीजन चालू हो गया है। जहां ये नया मौसम बहुत सी नई उम्मीदें लेके आ रहा है, वहीं पे कुछ चैलेंजेस भी लेके आएगा। आने वाले ये 90 दिन गर्मियों के हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहेंगे तीन चीजों के मामले में। सबसे पहले तो है पानी। देखिए, जहां सर्दियों में हम महीने महीने में एक बार पानी मार देते थे खेत के अंदर, वहीं पर ही अब गर्मियों में हर दूसरे या तीसरे दिन हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरा चैलेंज हमारे लिए आएगा वीड्स का, ये जो अड़ंगा होता है। जाहिर सी बात है, जब पानी ज्यादा लगेगा तो खरपतवार, अड़ंगा या वीड्स जो है वो ज्यादा खेत में उगेंगी, और इनको कंट्रोल करना भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप ढंग से मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आएगा हमारा पेस्ट यानी कि कीटों का, क्योंकि गर्मियां बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे पेस्ट का, कीड़ों का अटैक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस मौसम में आपको व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, थ्रिप्स, लालड़ी जिसे पम्पकिन बीटल बोलते हैं, माइट्स, ये कीड़े बहुत तंग करने वाले हैं, तो इनकी हमने फोटो यहाँ लगा रखी है। अगर आपको अपने खेत में कीड़े दिखते हैं तो आप उनका जल्द से जल्द उपचार कर लीजिएगा। साथियों, खेती बाड़ी बहुत ही मुनाफे का सौदा है अगर आप ढंग से इसे सीख के करें तो। खेती के अंदर कहीं पे भी जरा सी भी लापरवाही कर देते हैं या तजुर्बा कम होने के कारण आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसे के अंदर आपका जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद भी हो सकती है। तो इसी मकसद से कि जो हमने गलतियां की है वो आप ना करें, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गर्मियों के मौसम में अगर खेती करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो आपको कौन कौन सी सब्जियों या फसलों का चयन करना चाहिए, दूसरा आपको कौन सी सब्जियां या फसलों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और तीसरा मैं आपको वीडियो के लास्ट में ऐसी तीन फसलें बताऊंगा जिनको आप खेत में लगाने के मात्र 30 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्ट करके बेच सकते हैं और मंडी के अंदर बेच के भी तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन इलाकों के लिए जहाँ पे पानी अवेलेबल है। अगर आपके खेत में मीठा पानी अवेलेबल है, सबसे पहले फसल तो आ कर सकते हैं अपने खेत में टिंडे की। साथियों, सर्दियों में जैसे कि आप जुकीनी और छप्पर कद्दू से काफी मुनाफा कमा सकते हैं, उसी तरीके से फरवरी से लेकर मई जून के महीने तक आप अपने खेत में टिंडा लगा सकते हैं। टिंडे को इंडियन स्क्वैश भी बोलते हैं, और इस सब्जी की खास बात यह है कि ये पूरे सीजन यानी कि आपका मार्च से लेकर जून तक जो भी इसका हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है उसके अंदर इसकी ऑन एवरेज मंडी के अंदर ही सेलिंग प्राइस 80 से लेकर 100 रुपए के बीच में रहती है, और आप इसको अगर डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं तो आप 150 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो भी चार्ज कर सकते हैं, लोग खुश होकर आपको ये प्राइस देंगे। साथियों, टिंडा बहुत ही अच्छी सब्जी है और काफी प्रॉफिट भी आपको देके जाएगी, लेकिन टिंडे के अंदर एक छोटी सी दिक्कत ये है कि टिंडा ह्यूमिडिटी और बारिश को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आपका टिंडा अगर आपने जो फरवरी में लगाया है वो आपका मई जून तक प्रोडक्शन देगा, लेकिन बारिशें चालू होते ही टिंडा बिल्कुल आपका खराब हो जाएगा। अगर आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ये दूसरे टाइप की सब्जियां जो बेल वर्गीय सब्जियां होती है उनको अपने खेत में लगा सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास ककड़ी, खीरा, करेला, घिया, तोरी, ये 5-6 टाइप की सब्जियां आती है। इनमें लगाने में स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ बांस का स्ट्रक्चर देना पड़ेगा जिसमें थोड़ी सी कॉस्टिंग आपकी आ सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाली सारी सब्जियां जो आप फरवरी या मार्च में खेत में बोएंगे उनकी आपकी हार्वेस्टिंग अप्रैल या मई से चालू होके नवंबर तक लगातार तुड़वाई होती रहेगी। जी हाँ साथियों, ये जितनी भी बेल वाली सब्जियां मैंने बताई आपको 5-6, ये सारी की सारी 6 से लेकर 8 महीने तक लगातार हार्वेस्टिंग देती रहेंगी अगर आप इन पे सही से मैनेजमेंट करते हैं तो। अब इसमें फायदा हमारे को ये निकलता है कि मान लीजिए इस घिया का आपका रेट 10 या 20 रुपए किलो भी मिला आपको मंडी में ऑन एवरेज, तब भी आपको एक एक बेल से 50 किलो से ज्यादा सब्जी मिलेगी एक सीजन में। तो फिर आप अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो फिर बेल वाली सब्जियों में भी आपको काफी मुनाफा मिलेगा। अगर आपको और भी ज्यादा सिक्योरली मुनाफा कमाना है तो आप तीसरी वाली हमारी सब्जी लगा सकते हैं जो कि हमारा पेठा कद्दू। ये बेल वाली सब्जियों में ही आता है, लेकिन पेठे और कद्दू का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसे आप 2 महीने के लिए अपने ही खेत के अंदर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ साथियों, पेठा अगर आप अपने खेत से हार्वेस्ट करते हैं तो आपने बस कोई छांवदार जगह में जहाँ पे पानी ना पड़े वहाँ पे आपने अपने पेठे को रख देना है, और इसको आप 2 महीने तक आराम से बेफिक्र होकर स्टोर कर सकते हो। इसमें हमारे पास फायदा ये आ जाता है कि हम इसको स्टोर करके तब तक रख सकते हैं जब तक हमें मंडी में पेठे का अच्छा रेट नहीं मिलता,
मान लीजिए आपका पेठे का हार्वेस्टिंग मई जून में होता है और उस टाइम मंडी के अंदर उतना रेट अच्छा नहीं है, तो ऐसे के अंदर हम उसे अपने घर के अंदर ही या अपने खेत पे ही 2 महीने तक बचा के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जैसे ही पेठे का रेट ऊपर होता है तब हम उसे मंडी में बेच के आ सकते हैं। बाकी अगर आप अपने ग्राहकों के लिए बेच रहे हैं तब तो आपको पता ही है उसमें काफी ज्यादा मुनाफा रहता ही है। तो इसीलिए मेरी हमेशा सबके लिए ये सलाह रहेगी कि आप मंडी पे बेचिएगा लेकिन निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि अल्टीमेट पैसा B2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर मार्केटिंग में ही है। आप अगर अपने खेत की सब्जियां डायरेक्ट कस्टमर तक बेच पाते हैं और आप 100 फैमिलीज को भी अपना परमानेंट ग्राहक बना लेते हैं तो मैं आपको लिख के देने को राजी हूँ, खेती से ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई दुनिया में काम ही नहीं है। खैर, अब चलते हैं हमारी चौथी सब्जियों की कैटेगरी पे, जो कि है हमारा तरबूज और खरबूजा। ये भी पेठे की तरह स्टोर हो सकता है। तरबूज खास करके आपका महीने तक आप अपने खेत में स्टोर कर सकते हैं, और इसके अंदर फायदा यह है कि तरबूज खरबूजा क्योंकि फ्रूट्स की कैटेगरी में आ जाता है तो इसकी डिमांड और रेट दोनों ही पेठे से कई गुना ज्यादा हाई है। देखिए, किसी भी सब्जी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का रूल हमेशा लागू होता है। अब मान लीजिए हमारा जो तरबूज है उसकी नॉर्दर्न बेल्ट में हमारे हरियाणा पंजाब यूपी के इलाकों में प्रोडक्शन चालू होती है फरवरी में, यानी कि फरवरी में वो बीज बोया जाता है, जो उसका प्रोडक्शन है वो हमारा चालू होता है अप्रैल और मई में, यानी कि हमने फरवरी के अंदर खेत में बीज को लगाया या प्यौध को लगाया, उसके 2 महीने के बाद आपका तरबूज का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। लेकिन क्योंकि लोग उतने ही है खरीदने वाले और सभी किसानों का एक साथ तरबूज और खरबूजा पक्के मंडी में आने लग जाता है तो इसीलिए तरबूज खरबूजे का रेट एकदम क्रैश कर जाता है। लेकिन इसी डिमांड और सप्लाई के नियम को पालन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम तरबूज खरबूजे की अगेती की खेती कर सकते हैं, यानी कि हमने तरबूज की नर्सरी बना के दिसंबर के अंदर ही सोइंग कर दी और फिर उस प्यौध को जिसको हमने दिसंबर में तैयार करने के लिए लगाया था उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लोहड़ी के तुरंत बाद, यानी कि 15 जनवरी को ही खेत में लगा देंगे। जो हमने तरबूज को 15 जनवरी को अपने खेत में लगाया है वो हमारा तरबूज 1 मार्च से ही आना चालू हो जाएगा और इस टाइम पे बाकियों के खेत के अंदर अभी तरबूज तैयार नहीं होगा लेकिन मंडी के अंदर डिमांड बनी रहेगी, तो डिमांड होगी ज्यादा और सप्लाई कम, तो ऐसे के अंदर आप मानोगे नहीं तरबूज में ही आप लाखों कमा सकते हैं। इसी चीज को हम पालन करते हुए एक और चीज कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि हम तरबूज की सोइंग यानी कि बुआई अप्रैल में करें। जो हमने 1 अप्रैल को तरबूज बोया है वो वाला तरबूज हमारा जून में जाके हार्वेस्टिंग चालू होगा, और जून में होता यह है कि बारिशें चालू हो जाती है तो अक्सर किसानों के तरबूज खराब हो जाते हैं, हमारे भी खराब हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम उसमें प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में जा सकते हैं। और अगर हमने बरसातों में तरबूज को बचा लिया तो उस तरबूज का रेट हमें मई के बाद जून के अंदर भी बहुत सही मिल सकता है, 30-40 रुपए किलो आराम से आपको थोक के भाव में रेट मिलेगा, क्योंकि तरबूज अब भारी होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1-1 एकड़ से आप तरबूज के अंदर भी 2-4-5 लाख एक सीजन में आराम से कमा सकते हैं। इसके बाद पांचवी ऐसी सब्जी जो हम अपने खेत में लगा के बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं वो है भिंडी। भिंडी को उगाना बहुत आसान है, भिंडी में बहुत ज्यादा मीठे पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस एक हल्का सा इसमें लेबर कॉस्टिंग तुड़वाई की ज्यादा आती है, नहीं तो भिंडी भी बहुत ही प्रॉफिटेबल का काम है। आराम से इसका मंडी के अंदर भी 50 से लेकर 80-100 रुपए तक रेट सालाना बना रहता है, तो आप भिंडी को भी अपने खेत में लगा के काफी मुनाफा कमा सकते हैं। एक और चीज बताना भूल गया, भिंडी भी आपकी घिया तोरी की तरह एक बार जो आपने 1 मार्च को बोई है वो आपकी लगातार नवंबर तक हार्वेस्टिंग देती रहेगी। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मौसम के अंदर आपने कौन कौन सी सब्जियां नहीं लगानी है, चाहे आपके पास मीठा पानी हो या खारा पानी हो, आप अपने खेत के अंदर गलती से भी गोभी की कोई वैरायटी मत लगा देना। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बोकचा, इस टाइप की कोई भी आप सब्जी अपने खेत में मत लगाना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ये चीजें बन नहीं पाएंगी। इसी तरीके से आप टमाटर, बैंगन और मिर्ची को भी इस सीजन में अवॉइड करिएगा। तो साथियों, बात करते हैं उन इलाकों के लिए जहाँ पे पानी की कमी है। अगर आपके खेत में पानी की कमी है या फिर आपके पास खारा पानी है तो ऐसे के अंदर आप अपने खेत के अंदर दालें लगा सकते हैं। साथियों, आप मानेंगे नहीं पर दालें लगा के भी बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इस मौसम में आप मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल ये लगा सकते हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। मूंग दाल वगैरह आपकी 6-7-8 क्विंटल तक भी 1 एकड़ में से जैविक तरीके से, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप करते हैं अपने खेत में, तो आप आराम से 800 किलो तक की प्रोडक्शन 1 एकड़ से ले सकते हैं। और मंडी के अंदर भी दालों का, मूंग दाल का ही मान लें हम, तो 70 रुपए किलो थोक का भाव रहता ही है। ये आप अपनी मार्केटिंग करते हैं तो ये 150 रुपए किलो तक मूंग दाल का रेट चले जाता है बड़े शहरों में खास करके, बट नंदालेस आप अपने खेत में अगर 800 किलो मूंग दाल का प्रोडक्शन करते हैं और उसका रेट आपको 70 रुपए भी बल्क में मिल जाता है,
तो आप खुद इमेजिन करिए कि आप मात्र ये 2.5 से 3 महीने की खेती के अंदर दाल लगा के, जिसको पानी की जरूरत भी नहीं है, उसके अंदर आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 कौन सी सब्जियां आप अपने खेत में अभी लगा सकते हैं जिनसे आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं और वो मात्र 30 दिन में तैयार हो जाएंगी। साथियों मैं बात कर रहा हूँ वो वाली पत्ते वाली सब्जियां, जैसे कि पालक, धनिया और पुदीना। ये 3 ऐसी पत्ते वाली सब्जी है जो बोने के मात्र 30 दिन बाद तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए और इनका गर्मियों में बहुत सही रेट मिलता है। जो पालक और पुदीना है उनका रेट थोड़ा धनिया से कम मिलता है, लेकिन ये वाली जो 2 सब्जी है इनको आप मल्टीपल हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप पुदीने के सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ के बेच सकते हैं और पालक के अंदर भी आप ऊपर ऊपर की कटाई करके बार बार पालक को उगा के सेम जगह से बेच सकते हैं। और एक बार आप धनिया का रेट अपने मंडी में जाके पता करिए, आजादपुर मंडी में रेट हर साल पता करता हूँ, हमेशा हमारे यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने धनिया का रेट 250 से 300 रुपए किलो चले जाता है, वो भी थोप के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको अलग से कोई जगह देने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं हमने हमारे पेठे के अंदर ही धनिया को बो रखा है, तो जब तक हमारा पेठा बड़ा होगा तब तक हम धनिया की एक हार्वेस्ट इसमें से ले लेंगे, तो सेम जगह में डबल मुनाफा। तो इसी हिसाब से साथियों हमें खेती को समझ के अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने यहाँ की लोकल मार्केट को पढ़ के, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, वो सब समझ के हमें करनी है। तो आप बेफिक्र होके खेती करिएगा, इसमें भी आप एक बहुत बढ़िया सैलरी जॉब से ज्यादा कमा सकते हैं, वो भी सुकून की जिंदगी जीते हुए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।